हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केडीबी लाइव न्यूज चैनल में। आज है बृहस्पतिवार 10 अक्टूबर 2019। तो आज की बिहार की टॉप 20 न्यूज लेकर आए आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दिवाली और छठ पूजा के लिए दिल्ली से बिहार के लिए चलेगी 12 स्पेशल ट्रेन। दिवाली और छठ पूजा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। इस त्योहारी सीजन में रेल यात्रियों को परेशानी से निजात दिलाने के लिए रेलवे ने विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ बिहार तथा उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्टेशनों के लिए 12 स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्देश दिया है। इससे रेल से सफर करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। यात्रियों को भीड़ से निजात दिलाने के लिए रेलवे ने नई दिल्ली आनंद विहार से बिहार के भागलपुर, बरौनी, दरभंगा, सहरसा, पटना, पूर्णिया, कोट, कटिहार, जोगबनी तथा मुजफ्फरपुर के लिए अतिरिक्त ट्रेन चला रही है। इसमें पटना के लिए 2 और दरभंगा के लिए 3 ट्रेनें शामिल है। 166 साल लंबे अंतराल के बाद एक शख्स ने अपने पूर्वजों की जानकारी लेने और गांव का पता लगाने विदेश से भारत पहुंचा। पटना के दानापुर पहुंचे इस दंपति ने बताया कि उनके पूर्वज 1853 में कोलकाता से मॉरिस गए थे, जो कि वहीं के हो गए थे। बिहार के रहने वाले बद्री नाम के इस शख्स ने गांव की तलाश में मॉरिस से फुलवाड़ी पहुंचे। 166 साल बाद भारत आकर गांव की उनकी ये तलाश जारी है। पटना के फुलवाड़ी शरीफ थाने में बैठे हेमंत बद्री और उनकी पत्नी विद्यावती अपने साथ बद्री नाम के पूर्वज की तस्वीर लेकर उनके गाँव की तलाश करते फुलवाड़ी शरीफ पहुँचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए जल शक्ति अभियान में बिहार के गया जिला देश भर में प्रथम स्थान पर है। जिलों को यह प्रथम रैंक देश भर के 253 जिले में किए जा रहे हैं काम के आधार पर 16 सितंबर को यह सूची जारी की थी और 18 सितंबर तक वह नंबर 1 की पोजीशन पर बरकरार रहा। आपको बता दें कि जल संकट से जूझ रहे गया समेत बिहार के 12 जिला को पीएम मोदी के जल शक्ति अभियान के लिए चुना गया था। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने बिहार की राजधानी पटना में बारिश से हुई जल जमाव की समस्या में सबके साथ रहे और पूरी कोशिश की ताकि लोगों की मदद हो सके। पप्पू यादव ने न सिर्फ लोगों के बीच जाकर राहत सामग्री का वितरण किया बल्कि कई जगहों पर मेडिकल कैंप भी लगाया। इसके बाद फिर पप्पू यादव ने पटना सहित सूबे के लोगों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने डेंगू पीड़ितों को मुफ्त में इलाज कराने को लेकर ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बिहार के किसी भी क्षेत्र के लोगों को अगर डॉक्टर डेंगू की पुष्टि कर देते हैं तो उनका इलाज पप्पू यादव करवाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं पटना के कई जगहों पर मेडिकल कैंप लगवाए हैं, वहां जाकर भी लोग इलाज करा सकते हैं या फिर किसी भी हॉस्पिटल में जाकर इलाज करवाएं, उनकी मदद हम करेंगे। इसके साथ ही पप्पू यादव ने कहा कि डेंगू पीड़ितों के लिए दवाई की व्यवस्था करेंगे और जरूरत पड़ी तो होम्योपैथी दवा का भी वितरण करेंगे। तेजस्वी यादव आज 2 दिवसीय दौरे पर सिवान जाएंगे। तेजस्वी यादव का यह दौरा चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए होगा। पूर्णिया जिला के रानीपत्रा में स्थित ऐतिहासिक प्राकृतिक चिकित्सालय आज मवेशी का तबेला बना हुआ है। इस चिकित्सालय में कभी नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला से लेकर जयप्रकाश नारायण की पत्नी तक का इलाज हुआ था। यह चिकित्सालय एक समय में बिहार समेत पूरे देश में मशहूर था, लेकिन आज ये अपने बदहाली पर आंसू बहा रहा है। IMF ने आर्थिक सुस्ती को लेकर चेतावनी जारी की है। IMF के चीफ ने कहा है कि इस वक्त वैश्विक अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुस्ती देखी जा रही है, जिसके कारण 90% देशों के विकास की रफ्तार धीमी चल रही है। वहीं तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था होने के चलते भारत पर इसका अन्य देशों के मुकाबले ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। IMF चीफ ने कहा है कि साल 2019 में हमें लगता है कि दुनिया के 90% देशों में ग्रोथ रेट सुस्ती रहेगी। वैश्विक अर्थव्यवस्था अब सुस्ती के दौर में है। अगर आपका बैंक अकाउंट IDBI बैंक में है तो ये खबर आपके लिए बेहद ही जरूरी है, क्योंकि 1 जनवरी 2020 तक आपने ये काम नहीं किए तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। ऐसे में आप अपने अकाउंट से ना तो पैसे निकाल पाएंगे और ना ही पैसे जमा कर पाएंगे। दरअसल सरकारी से प्राइवेट में हुए IDBI बैंक ने ग्राहकों को अपना KYC करने को कहा है। बैंक ग्राहकों को SMS के जरिए इसकी जानकारी दे रहा है। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI ने सभी बैंक खातों के लिए KYC अनिवार्य कर दिया है। बाढ़ और जल जमाव के बाद पानी घटने से पूरे बिहार में डेंगू का प्रकोप जारी है। सुबह के डेंगू की चपेट में आने पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को पटना में स्थित PMCH सहित जल जमाव वाले इलाके राजेंद्र नगर का दौरा किया और अस्पताल के अधिकारियों और डॉक्टरों को नसीहत देते हुए कहा कि किसी को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मानसून इस वर्ष देश भर में सामान्य से अधिक रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 10 अक्टूबर से मानसून लौटने की उम्मीद है। जब से इसके आंकड़े देश में जुड़ाने शुरू किए गए हैं तब से ये पहली दफा है कि जब इतनी देर तक मानसून की वापसी हो रही है। इस साल मानसून देर से आने के बावजूद 10% ज्यादा बारिश हुई है। 25 साल में ये मानसून सबसे शानदार रहा है। आपको बता दूं कि जून में देश के कई हिस्सों में सूखे जैसे हालात नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि देश इस बार सूखे की चपेट में आ गया है। कई राज्य सरकारों ने सूखे की मार झेल रहे जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करना भी शुरू कर दिया था। बिहार समेत कई सरकारों ने इसके लिए फंड भी इकट्ठा कर लिया था, लेकिन मानसून के लिहाज से सितंबर का महीना जबरदस्त रहा। देश भर में झमाझम बारिश हुई और 100 साल में पहली बार इतनी जबरदस्त बारिश हो रही है। इसी बीच 10 अक्टूबर को मौसम विभाग ने पटना केंद्र से बिहार के 4 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार भागलपुर, बांका, मुंगेर और जमुई जिले में अगले कुछ घंटों में तेज बारिश के साथ वज्रपात की भी संभावना है।
पूर्णिया और आसपास के क्षेत्र में पिछले दिनों हुई मूसलाधार बारिश से धमदाहा एवं केनगर प्रखंड में किसानों के फसलों को काफी क्षति पहुंचाई है। धमदाहा के विधायक लेसी सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा दिलाने की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर धमदाहा एवं केनगर प्रखंड के किसानों के फसलों को हुए नुकसान की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए मुआवजा की मांग की है। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने बिहार में 5 विधानसभा सीटों और लोकसभा की खाली हुई 1 सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। आशा के अनुरूप स्टार प्रचारकों की इस लिस्ट में लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार को जगह मिली है। स्टार प्रचारकों की इस सूची में वो सभी 40 नाम है जो लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष विमान एयर इंडिया का न होकर अब एयर फोर्स का हो सकता है। आपको बता दूं कि अभी तक पीएम जिस विमान में उड़ान भरती है और जिस देश का दौरा करते हैं वो एयर इंडिया का विमान से करते हैं, लेकिन अब पीएम मोदी के लिए स्पेशल फोर्स का विमान तैयार हो रहा है। प्रधानमंत्री को मिलने वाली ये विमान जून 2020 तक भारत में आ जाएगा। इस विमान को एयर इंडिया के बजाय भारतीय वायुसेना के नियंत्रण में रखा जाएगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरे की तारीख का ऐलान हो गया है। चीनी राष्ट्रपति 11 अक्टूबर को भारत आ रहे हैं। उनकी इस यात्रा को लेकर चेन्नई में जोर शोर से तैयारियां चल रही है। यहीं पर दोनों देशों के बीच दूसरा शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाना है। आपको बता दूं कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 11-12 अक्टूबर को 2 दिवसीय भारत दौरे पर आ रहे हैं। इस शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। पिछले 6 दिन में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट थम गई है। बुधवार को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। आपको बता दें कि लगातार 6 दिन की कटौती के बाद देश की राजधानी दिल्ली में 1.02 रुपया प्रति लीटर सस्ता हो गया है और डीजल का दाम भी 68 पैसे लीटर सस्ता हो गया था। ऐतिहासिक गांधी मैदान में वर्षों से रावण वध किया जा रहा है, लेकिन इस बार यहां भीड़ पहले के मुकाबले काफी कम दिखी। इस दौरान एक विशेष बात, सत्ताधारी गठबंधन में शामिल बीजेपी के एक भी नेता शामिल नहीं हुए। दरअसल ये पहला मौका नहीं है जब राज्य सरकार में शामिल होने के बावजूद बीजेपी का कोई भी नेता कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। जाहिर है कि सीएम नीतीश कुमार के साथ बीजेपी नेताओं के मंच पर मौजूद नहीं रहने के कारण बिहार एनडीए में दरार पड़ने की अटकलें फिर से लगाई जाने लगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आरा में स्थित पीरों का 10 अक्टूबर यानी कि आज दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राम इकबाल वारसी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार पीरों के प्रव मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दीपावली की गिफ्ट देते हुए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है। केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले से लगभग 50 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस बात की घोषणा की है। साथ ही मंत्री ने किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के बारे में भी बताया। जावड़ेकर ने किसानों को राहत देते हुए कहा कि वो 30 नवंबर तक किसान सम्मान निधि के लिए आधार नंबर दे सकते हैं। पहले ये तारीख 1 अगस्त 2019 थी। इस नीति के तहत सरकार सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद छोटे किसानों को देती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI ने सेविंग अकाउंट पर ब्याज दरें कम कर दी है। बचत खाते में 1 लाख रुपए जमा होने पर 3.50% की जगह 3.25% ब्याज देगा। ब्याज दर 1 नवंबर 2019 से प्रभावी हो जाएगी। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI बैंक के इस फैसले से करीब 42 करोड़ ग्राहकों को प्रभावित होगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत पश्चिम बंगाल के करीब 7,000 से 8,000 किसानों ने 6,000 रुपए के लिए सालाना लाभ पाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन इन किसानों को इस योजना का लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है। भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट ने 10वीं पास के लिए स्टाफ कार ड्राइवर के रिक्त पदों पर वैकेंसी निकाली है। भारतीय डाक विभाग में 10वीं पास के लिए भर्तियां आमंत्रित किए हैं। डाक विभाग ने कुल 10 पदों पर भर्तियां निकाली है। इन रिक्त पदों पर इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार डाक के माध्यम से 13 नवंबर 2019 तक आवेदन भेज सकते हैं। वैश्विक कारकों के साथ स्थानीय जेवरात की मांग आने से दिल्ली सरफड़ा बाजार में सोना बुधवार को 120 रुपए चमककर एक महीने के उच्चतम स्तर 39,510 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। चांदी भी 990 रुपए की छलांग लगाकर 2 सप्ताह के उच्चतर स्तर पर 47,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। विदेशों में बुधवार को सोने में 1% से ज्यादा का उछाल रहा है। दशहरा के मौके पर मंगलवार को बंद रहने के बाद आज स्थानीय बाजार खुलने पर उसका असर देखा। त्योहारों से पहले आभूषण निर्माताओं की ओर से आ रही मांग में सोने की बढ़त योगदान दिया है। बिहार में डेंगू के बढ़ रहे खतरे के मद्देनजर अस्पताल में भी इलाज व्यवस्था की गई है। पटना में स्वास्थ्य विभाग ने 22 PHC में डेंगू के जांच की व्यवस्था कराई गई है। पटना के 2 सबसे बड़े अस्पताल PMCH और NMCH में डेंगू की जांच के लिए कैंप लगाया जाएगा। बिहार में अब तक सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मरीजों की कुल संख्या 980 तक पहुँच गई है और अकेले PMCH में हर रोज 100 लोगों के डेंगू की जांच की जा रही है। डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर स्वास्थ्य विभाग बेहद अलर्ट पर है। अकेले पटना में स्वास्थ्य विभाग ने 22 PHC में डेंगू की जांच की व्यवस्था कराई है और इसके अलावा 10 अक्टूबर यानी कि आज से 12 अक्टूबर के बीच पटना के 2 सबसे बड़े अस्पताल PMCH और NMCH में डेंगू की जांच के लिए एक कैंप भी लगाया जाएगा।
तो दोस्तों आज का न्यूज बस यहाँ तक कैसा लगा आप लोगों को आज का बिहार का न्यूज, जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। दोस्तों अगर आप नए आए हमारे केडीबी लाइव पर तो नीचे रेड कलर का बटन होगा वहाँ पर क्लिक कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।